तो दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होगा ये कल साफ हो जाएगा। हमारे साथ में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जुड़ गए हैं। हर्ष जी बहुत स्वागत है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई हो, चुनाव अच्छे से संपन्न हो गए हैं। आप बताइए आपका कैसा रहा चुनाव प्रचार प्रसार, कैसा रहा? हर्ष जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हर जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। और फिलहाल हम प्रत्याशियों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ उनका रुझान है, कितना दावा कितना दम अभी भी भरते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली की हम बात करें, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 2019 में बीजेपी के गौतम गंभीर जीते थे, सांसद बनकर संसद पहुंचे थे। और वहीं अब इस बारी कुलदीप कुमार के सामने हर्ष मल्होत्रा पर भरोसा जताया गया था। कुलदीप कुमार इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी, वहीं हर्ष मल्होत्रा पर इस बार पार्टी की तरफ से भरोसा जताया गया था। अगर हम बात करें पिछले चुनावों की, 2019 में यहां पे गौतम गंभीर सांसद थे और हर्ष जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। जी हर्ष जी, सबसे पहले तो यही बताइएगा कि चुनाव संपन्न हो गए, 25 तारीख को मतदान संपन्न हो गया, एक दिन का इंतजार और बाकी है, अब कितना दावा कितना दम? जी, जो पिछले 81 दिन का चुनाव प्रचार रहा उसमें ये समझ में आया कि पिछले 10 वर्ष के मोदी जी के जो जन कल्याणकारी कार्य रहे, नीतियाँ रही, उसके कारण से पूर्वी दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद और ट्रमेंडस सपोर्ट किया है। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं दिखता है कि पूर्वी दिल्ली में भी और पूरी दिल्ली में भी सातों सीटों पर कमल खिल रहा है। एनडीए में 400 सीटें आएंगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर हम बात करें एग्जिट पोल्स की, अब एग्जिट पोल को कोई नकार रहा है, कोई स्वीकार रहा है, और अलग अलग एजेंसीज के अपने अपने दावे हैं और अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स को लेके आप क्या कहेंगे हर्ष जी? एग्जिट पोल हर एजेंसी का अपना अपना ओपिनियन है, उनके सर्वे के अकॉर्डिंग है, पर जब सभी तरह के एग्जिट पोल लगभग एक जैसी स्थिति बताते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको फिलहाल में तो मानना चाहिए, बाकी तो कल परिणाम बताएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर मानना चाहिए तो दो तीन एग्जिट पोल्स हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि करीब 5 से 6 सीटें बीजेपी या फिर एनडीए हम कहें तो बीजेपी को मिलेगी, और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट मिल सकती है। पोल स्ट्रैट का कहना है कि सातों की सातों सीटों पर विजय बीजेपी की होने जा रही है, लेकिन एक एजेंसी है रिपब्लिक मैट्रिक्स करके, और उसका कहना है कि बीजेपी 5 से 7 तो इंडिया गठबंधन को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। जी मीडिया का भी अपना एग्जिट पोल है, एआई के माध्यम से एग्जिट पोल हमारा निकाला गया है और आंकड़े भी सामने आए, उसके अनुसार बीजेपी 3 से 4 पर सिमट सकती है। अब जिन सीटों पर हार मिल सकती है बीजेपी को इन एग्जिट पोल के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली उनमें से एक तो नहीं? पूरी दिल्ली में एक भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत है, और मैंने कहा अगर एग्जिट पोल्स को माने तो अधिकांश एग्जिट पोल दिल्ली में 7-0 टुवर्ड्स बीजेपी दे रहे हैं। तो मुझे जो मेरा अपना आकलन भी है बीइंग महामंत्री दिल्ली प्रदेश, उस सभी सीटों पर रिव्यू हुआ है, हम बहुत कंफर्टेबली सातों सीटों पर कमल खिल रहा है। तो ये सवाल मेरा इसलिए था हर्ष जी कि पूर्वी दिल्ली उसमें से एक तो नहीं, क्योंकि इसके पहले जो सांसद थे यहाँ से गौतम गंभीर जी, काफ़ी शिकायतें वहाँ की जनता में देखी गई थी, हम भी फील्ड पर उतरे थे, तो वो शिकायतें वोटों में तब्दील हो पाई नहीं हो पाई, आपके फेवर में रही या फिर नकारात्मक प्रभाव उसका देखा गया, ये तो कल पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है? हालांकि अभी चुनाव ओवर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद गौतम गंभीर जी ने पिछले 5 सालों में अभूतपूर्व काम पूर्वी दिल्ली के लिए किया है। उनकी हो सकती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि उनका अपना क्रिकेट का भी काम रहता है, पर काम में कहीं कमी नहीं है और जनता ने भरपूर आशीर्वाद पूर्वी दिल्ली में दिया है। और ये भरपूर दावा विपक्ष का भी है, खैर, कि जो आशीर्वाद है
वो इंडिया गठबंधन को इस बार मिला है। देखिए राहुल गांधी को आपने सुना 295 चुनाव, अब वो हंसी भी आ रही है कि अगर 295 उनको आ रहा है तो कल सामने आ जाएगा, पर अब क्योंकि चुनाव खत्म हो गया इन बातों का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। बट मेरे अपोजिट में जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रहे वो कुंडली से विधायक भी हैं, वहाँ की जनता ने उन्हें 2 वापस भेजा वोट मांगने मत आइए क्योंकि पीने का पानी साफ नहीं है। इतनी बात काफ़ी है कि वहाँ की उनकी विधानसभा के लोग ही उनको नकार रहे थे। ठीक है हर्ष जी, अगर हम बात करें चुनाव, अब मतदान खत्म हो गया है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा रहा पूरी चुनाव की प्रक्रिया, कैसा रहा मतदान इस बार का? मतदान फीसद हालांकि कम रहा लेकिन कितना प्रभाव उससे मान रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव रहा, जनता ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, बिल्कुल छोटे भाई बड़े भाई की तरह जनता ने हाथों हाथ लिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पूरा चुनाव की प्रक्रिया भी है वो चुनाव आयोग की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत निष्पक्ष देखने में आई। परसेंटेज ऑफ पोलिंग पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम हो सकती है लेकिन इस बार का एक बहुत बड़ा रुझान ये देखने में मिला कि जो लोग अक्सर वोट नहीं करते हैं या कम करते हैं जो कैटेगरी, इस बार उन्होंने भी दोपहर को 12 बुजुर्ग लोगों ने भी जो सोसाइटीज़ का वोट है वहाँ पर धूप में खड़े होकर के वेट करके वोट दिया है और वहाँ की परसेंटेज बहुत अच्छी है, मोर देन 75% भी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन भी है। और खैर ये तो स्पष्ट हो जाएगा कल ही, लेकिन लगातार दावे किए जा रहे थे हर्ष जी, और सवाल हालांकि इर्द गिर्द ही हैं और बहुत सारी चीज़ें तो कल ही स्पष्ट होंगी, लेकिन लगातार विपक्ष का कहना था खासतौर पे अब चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में थी तो वोट नहीं कटेंगे, वोट एक साथ मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया का कहना था कि मुझे वोट दो तो जेल नहीं जाऊंगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा, तो ये एक सिंपथी वोट जरूर मिला होगा आम आदमी पार्टी को? मुझे नहीं लगता, आज पूरी दिल्ली को ये पता है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया आदरणीय केजरीवाल जी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार में जेल में बंद हैं और सबको पता था कि वोट दें या ना दें कोर्ट का आदेश है, इनको 2 को वापस तिहाड़ जाना पड़ेगा। इन्होंने कोशिश भरपूर की है पर जनता को इस बार बेवकूफ बनाने में सफल नहीं हुए हैं। कल मतदान में, मतगणना के बाद में यदि जीत होती है तो आतिशी की तरफ से, सौरभ भारद्वाज की तरफ से, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की तरफ से आरोप पहले ही लग गए थे मतगणना वाले दिन, मतदान वाले दिन, कि वोटिंग जो है वो स्लो कराई जा रही है, जहां जहां इंडिया गठबंधन का प्रकोप है या फिर इंडिया गठबंधन स्ट्रांग है वहां पे वोटिंग जानबूझ के स्लो कराई जा रही है, तो कल अगर जीत होती है तो ये आरोप और भी ज्यादा प्रबल रूप से देखने को मिलेंगे? अभी तो और भी आरोप आएंगे, इनको ईवीएम पे डाउट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला काम करते हैं। जब इनके पास अपने वोटों का आधार नहीं है तो उसमें से ये स्पेस ढूंढते हैं, ऐसा कौन सा आर्गुमेंट दिया जाए जिससे कि ये अपनी जो हार हो रही है उसको किसी तरह से नकार सकें या कह सकें कि इस कारण से हुई है। अभी आप देखिएगा आज से शुरू हो जाएंगे ईवीएम में गड़बड़ है। इसके अलावा भी कोई आरोपों के लिए आपकी तैयारी? हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है, ये बोलते रहेंगे जनता सुनती रहेगी। आगे का क्या रोडमैप रहेगा सर यदि जीत होती है तो, पूर्वी दिल्ली के लिए क्या रोडमैप आपका? पूर्वी दिल्ली के लिए रोडमैप बहुत स्पष्ट है, हमने चुनाव के बीच में ही अपना संकल्प पत्र जारी किया था। जो हमारे यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ हैं, पूरे 5 में प्रयास ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसके अंतर्गत सभी बस्तियों को ला पाएँ। हालांकि उसमें केजरीवाल साहब हमेशा से टांग अड़ाते रहे हैं, अड़ाते रहेंगे, उसमें जो दिल्ली का शेयर है वो कभी देते नहीं हैं, अगर देंगे तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट जो कलंदर कॉलोनी है दिलशाद कॉलोनी में और उसके साथ में दीपक विहार है, दीपक कॉलोनी है, दिलशाद विहार है, उन कॉलोनीज में जो 4,000 झुग्गियाँ हैं वो प्रयास करेंगे कि जुलाई अगस्त से वहाँ पर काम होना प्रारंभ हो जाए। इसके अलावा भी
जी हर्षी, इसके अलावा भी कड़कड़डूबा में एक आईपी यूनिवर्सिटी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में बन के तैयार हुई है, शुरू हो चुकी है। उसके एडजेसेंट एक लॉ कैंपस बनाने का भी प्रेपरेशन है, कोशिश करेंगे वो भी जल्दी प्रारंभ हो जाए। मल्टी लेवल पार्किंग की भी बात समस्या रहती है, एक मल्टी लेवल पार्किंग को भी प्रयास करेंगे कि पहले 100 दिन में उसका काम शुरू हो जाए। ठीक है, एमसीडी के भी कई प्रबल मुद्दे हैं पूर्वी दिल्ली में, साफ सफाई स्वच्छता उनमें से एक है। बतौर सांसद यदि जीत होती है तो आपकी तरफ से क्या कदम रहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि एमसीडी भी इस समय आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास है। आप पीछे सवा साल में देखेंगे कि व्यवस्था बदतर होती चली जा रही है, तो हम अधिकारियों से बात करके इन व्यवस्थाओं को सुचारू करने का प्रयास करेंगे। और इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से दिल्ली की जनता का इंतजार खत्म होगा कि नहीं, कि सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हो पाए या फिर सामान्य होना ही चाहिए? होना भी चाहिए, लेकिन एक बात समझने की है, दिल्ली में कैपिटल है, उसके बावजूद यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज हैं, जिसके जिम्मे जो काम है उसको वो करना पड़ेगा। अब कॉरपोरेशन यूनिवर्सिटी तो बना नहीं सकती, दिल्ली की सरकार अपना काम करती नहीं है, उन्होंने कहा कि 20 कॉलेज खोलेंगे, एक भी कॉलेज नहीं खोला है। तो जिस दिन एमसीडी ये कह देगी कि मेरे हाथ में सफाई मैं नहीं कर सकती आम आदमी पार्टी की, उसके उस समय हम विगरसली उस काम को भी टेकअप करेंगे। ये जो ओनस उनका है उनको वो लेना ही पड़ेगा, चुनी हुई सरकार है कॉरपोरेशन में एमसीडी की। नहीं तो आप देखिए ना, अभी तक एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं कर पाए हैं ये लोग, जानबूझ के डेलिबरेटली रोका हुआ है। तो ये सब जिम्मेदारी जो जनता के प्रति की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी में कॉरपोरेशन की है जो वो रन करते हैं, जिम्मेदारी उनकी है। जनता उनसे भी पूछती है, उनके कॉरपोरेटर से भी पूछती है कि हमारा पार्क में हरियाली क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पर गंदगी क्यों है, तो जनता भी उनसे पूछती है। लेकिन हम फिर भी इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके जनता को जो सुविधाएं हम दे सकते हैं वो जरूर देंगे। पीने के पानी की आपने बात की थी हर चीज, इसके अलावा जो जल संकट है, मतलब नॉर्मल पानी यूजेज के लिए जो भी होता है उसके लिए भी अभी दिल्ली की जनता को परेशान होना पड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली में भी यही तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप देखा जा रहा है, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या कदम रहेंगे, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, जल संकट हो, इस गर्मी में? आप देखिए, 2015 का चुनाव जीतने का इनका बड़ा कारण फ्री पानी और आधी बिजली की बात थी। लोगों को फ्री पानी तो दूर, गंदा पानी मिल रहा है। और अगर टेक्निकल डाटाज की आप बात करेंगे तो जितना पानी दिल्ली को चाहिए उतना पानी दिल्ली सरकार के पास है। इनका मिसमैनेजमेंट, इनका भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी के नेताओं का टैंकर माफिया के साथ नेक्सस होना और सिर्फ ऐसी राजनीति में लगे रहना, स्वयं केजरीवाल अगर जेल में है वो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से चला ही नहीं सकते, वो रिज़ाइन करने को तैयार नहीं है। एक झूठी मूठी चिट्ठी लिखते रहते हैं आतिशी को कि जहाँ पर पानी नहीं आ रहा वहाँ पर टैंकर दो। अरे भैया, 10 साल से तुम यहाँ पर थे तो पानी क्यों नहीं आ रहा, हर घर में नल से जल क्यों नहीं पहुँचा? और आरोप प्रत्यारोप तो इनकी परिपाटी है, इनकी नीति है, क्योंकि इनके पास कोई दिल्ली को चलाने के लिए नीति भी नहीं है, नेता भी नहीं है, और नीयत तो आप लोगों ने देखा कि लगातार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो ये जब तक दिल्ली की जनता परेशान ही रहेगी, जब तक कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को चला रही है, क्योंकि जेल से तो सरकार चल नहीं सकती। और इनको हमेशा से ये लगता है कि ये जेल से चला पाएंगे, जेल से कोई डॉक्यूमेंट ही साइन नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली दिल्ली सरकार का डोमेन है पीने का पानी देना, हम तो उसमें जनता की मदद कर सकते हैं, जो कर सकते होंगे जरूर करेंगे। ठीक है हरजी, आखिरी सवाल मेरा, जनता से तो लगातार प्रचार प्रसार के दौरान आप संपर्क कर ही रहे थे, उनके नाम संदेश भी दे रहे थे, अब कल मतगणना से पहले, रिजल्ट से पहले ऑपोजिशन के नाम क्या संदेश? अपोजिशन के नाम कोई संदेश देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी संदेश को मानने सुनने वाले लोग नहीं है। मेरा फिर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये रहेगा कि जो जनता का मैंडेट है
उसको स्वीकार करके समझने का प्रयास करें कि दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं दिल्ली की सरकार को देनी चाहिए वो कम से कम इसको अपनी गलती मान करके ही सुधार लें, ताकि दिल्ली की जनता को रिलीफ मिल सके। ठीक है हरजी, बहुत शुभकामनाएं जी मीडिया की तरफ से कल रिजल्ट्स के बाद, हालांकि और तस्वीरें साफ होंगी। धन्यवाद, तब तक के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।